हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। किसी ने 500 का एक पुराना नोट अब भी दबा रखा है, उसके लिए फिर से करनी पड़ेगी नोटबंदी, कहते हैं मोदी। नोटबंदी के 9 महीने बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के ब्लैक मनी पर हमले जारी है। काले धन को खत्म करने का संकल्प 500वीं बार दोहराते हुए उन्होंने आज एक रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में एक बंदे ने 500 का एक काला नोट दबा रखा है। असल में नोटबंदी उसी नोट को निकालने के लिए की गई थी, लेकिन वो ही छुपा रह गया। रिजर्व बैंक द्वारा नोटबंदी पर रिपोर्ट जारी करने के बाद प्रधानमंत्री आज मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मित्रों, आज मैं आपको नोटबंदी की असली सच्चाई बताता हूँ। ये सच है कि 1000 और 500 के लगभग सारे नोट वापस आ गए हैं, लेकिन एक नोट बच गया है जिसके पीछे मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ। मैं उसको बस पकड़ने ही वाला था, बस जरा सी चूक रह गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, वो एक नोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस सवाल पर मोदी जी ने हंसते हुए कहा, वैसे तो मुझसे सवाल पूछने की परमिशन किसी को नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक गिलास पानी पिया और बोले, जैसे उस राक्षस की जान तोते में बसी हुई थी, उसी तरह ब्लैक मनी की जान उस 500 के नोट में बसी है। जैसे ही हम उस नोट को पकड़कर नष्ट करेंगे, सारा काला धन एक झटके में नष्ट हो जाएगा, चाहे वो सात समंदर पार ही क्यों न रखा हो। और हमने वो एरिया भी आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ ये नोट छुपा हुआ है। ये नोट उत्तर भारत के ही किसी प्रदेश में छुपा हुआ है। हमारे अधिकारी दिन रात उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि 2019 के चुनाव तक हम उसे ढूंढ लेंगे, और जब तक मैं 500 के उस नोट को बाहर नहीं निकाल लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे उसके लिए एक और नोटबंदी क्यों ना करनी पड़े। ये सुनते ही सारे पत्रकारों के मुंह से निकला, क्या एक बार और? क्या मेरे प्यारे देशवासी इस देशभक्ति के काम के लिए एक बार और लाइन में नहीं लग सकते? मैं पूछता हूँ, नहीं लग सकते क्या? ये सुनकर सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं जानता हूँ, मेरे 125 करोड़ देशवासी हाँ कह रहे हैं, कहकर मोदी जी ने पानी का एक और घूंट भरा और जेटली जी के साथ सीक्रेट मीटिंग करने चले गए। प्रधानमंत्री के इस संकल्प से जब उन विरोधियों को भी बोलती बंद हो गई है, जो कह रहे थे कि मोदी जी काले धन के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को गड्ढे में डाल दिया है। अब जिस दिन ये 500 का नोट मिलेगा, उस दिन तो इन विरोधियों की नानी ही मर जाएगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।